रीट परीक्षा को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करवाए जाने हेतु समस्त अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को एमबीसी महिला महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 जो कि 23 एवं 24 जुलाई को दो पारियों में जिला मुख्यालय पर 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी उसकी जानकारी अधिकारियों को दी। वहीं रीट परीक्षा को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करवाए जाने हेतु समस्त फ्लाइंग स्क्वाड कम ओएमआर कोऑर्डिनेटर एरिया एवं जोनल अधिकारी पेपर कोऑर्डिनेटर पर्यवेक्षक केंद्राधीक्षक समेत समस्त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन 23 और 24 जुलाई को प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इसके तहत बाड़मेर जिले में भी 31 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा आयोजित होगी। रीट परीक्षा को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करवाए जाने के लिए समस्त अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार को मुल्तानमल भीमचंद छाजेड कन्या महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हो। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस प्रशिक्षण में परीक्षा के दौरान सतर्कता और नकल की रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 23 एवं 24 जुलाई को दो पारियों में जिला मुख्यालय के 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने की जानकारी अधिकारियों को दी। साथ ही रीट परीक्षा को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करवाए जाने के लिए समस्त फ्लाइंग स्क्वाड कम ओएमआर कोऑर्डिनेटर एरिया एवं जोनल अधिकारी पेपर कोऑर्डिनेटर पर्यवेक्षक केंद्राधीक्षक समेत समस्त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए प्रशिक्षण दिया गया। 23 व 24 जुलाई को बाड़मेर जिला मुख्यालय के 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में प्रदेश के 36,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। बाड़मेर में जो 23 और 24 जुलाई को चार पारियों में रीट का एग्जाम होगा, जिसके लिए 31 सेंटर्स हैं और इसमें सभी बाड़मेर मुख्यालय पे सेंटर्स रखे गए हैं और इसको लेकर हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। पिछली बार भी हमने पेपर को पूरे निर्बाध रूप से और पूरी शुचिता के साथ कराया था और इस बार भी हम उसी के लिए पूरी तैयारी हमने की है। इसके लिए विभिन्न आदेश निकाले गए, विभिन्न लोगों की ड्यूटी लगाई गई और पूरे जो निर्देश हैं कि इलेक्शन मोड पे इसको कराएं, उसी क्रम में आज ट्रेनिंग भी रखी गई है, चाहे सेंटर सुपरिटेंडेंट हो या फ्लाइंग स्क्वाड्स में हो या ओएमआर कोऑर्डिनेटर्स हों, पेपर कोऑर्डिनेटर्स हों, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। सभी एसडीएम्स को, सभी आरएएस अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, इसमें उनको लगाया गया है और विभिन्न जो ड्यूटी सबको दी गई है और उसके संबंध में किसको क्या करना है, इसके संबंध में विस्तृत निर्देश अभी उनको दिए जा रहे हैं और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से परीक्षा कराएंगे। सब उसको लेकर हमने माकूल सुरक्षा व्यवस्था की है और एक व्यक्ति के भरोसे न छोड़ते हुए उसमें विभिन्न लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर जो पेपर कोऑर्डिनेटर रहेगा उसके साथ में गार्ड रहेगा, वीडियोग्राफी होगी पूरे प्रोसेस की। साथ में ही हमने जो फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए हैं, जो हमारे एसडीएम्स हैं, वो हर 3 सेंटर्स पे जो पेपर जाएगा उसको अपने साथ ही लेके जाएंगे। इधर रीट परीक्षा 2022 के लिए परीक्षार्थियों को लाने व ले जाने के लिए रोडवेज की निःशुल्क बसें 21 से 26 जुलाई तक नियमित रूप से वृद्धिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड बाड़मेर से संचालित होगी। इसको लेकर रोडवेज कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी बक्ताराम के मुताबिक निःशुल्क प्राइवेट बसों का संचालन 23 जुलाई की प्रथम द्वितीय पारी के लिए 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक तथा 24 जुलाई की प्रथम द्वितीय पारी के लिए 23 जुलाई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक राजकीय पीजी महाविद्यालय मैदान बाड़मेर से संचालित होगी। प्राइवेट बसों के लिए जिला परिवहन कार्यालय बाड़मेर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।